हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ की जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। सो बेसिकली ये वीज़ा रिबेट के ऊपर है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है ऑफ TU 500, 573, 574, 576 etc, बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो बिफोर 19th March 2022, तो आपका वीज़ा फ़ी पूरी तरह से रिबेट हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पूरी तरह से वीज़ा रिबेट कर रही है। अभी जो डेडलाइन है ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने की, दैट इज़ 19th March 2022, एंड स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन, ये रिबेट का जो फीस है वो वापस लेने का ऑप्शन आपको मिलेगा दिसंबर 2022 तक। सो आपके पास पूरा ऑलमोस्ट एक ईयर है रिबेट वापस लेने का। एंड ये जो है बेसिकली स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट गार्जियंस जो हैं उनके लिए नहीं है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप डिपेंडेंट बन के जा रहे हैं, तो आप लोग वीज़ा फ़ी रिबेट पूरा के पूरा ले सकते हैं। और ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं इनको अप्रैल में पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा कि कैसे आपको रिबेट लेना है। बट द ओनली कंडीशन इज़ यू हैव टू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर 19th March 2022। सो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जो होंगे उनके पास ऑब्वियसली पूरे फुल वर्क राइट्स होंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मेंशन किया है दैट दे कैन वर्क फुल टाइम इन एनी फील्ड एंड कैन कमेंस वर्क प्रायर टू कमेंसिंग स्टडीज। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि स्टडीज़ करने से पहले ही आप वर्क कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल्सो अगर आपने मेरे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि अब जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो इंक्रीज़ कर दिया है। पहले ये 2 साल का हुआ करता था, अब ये मास्टर स्टूडेंट के लिए 3 साल का कर दिया गया है। ऑल्सो वेट स्टूडेंट्स के लिए भी ये 1.5 साल से बढ़ाकर 2 साल के लिए कर दिया गया है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें हमें। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे आपकी जो भी क्वेरीज हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए।